चलिए देखते हैं किचन में खाने में क्या बना। अभी हम किचन में आ चुके हैं और आज मेरी दीदी रोटी बना रही है। चलिए देखते हैं कैसे रोटी बनाएं। फ्रेंड्स देखिए, आज बहन की रोटी गोल नहीं बनी है, देखिए, और कड़क कुछ ज़्यादा ही है, सॉफ्ट नहीं है। देखिए और बाकी हरी रोटी देखिए गोल ज़्यादा नहीं बनी है, एक दो बनी है, और ये दूसरी रोटी भी गोल नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो लाइटर है ना वो मेरे बेटे ने ठीक कर दिया, ये चल नहीं रहा था और इसका बटन है ना वो ख़राब हो गया था, तो देखिए अभी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये एकदम ही ख़राब हो गया था, तो पहले भी मेरा ऐसा ही लाइटर था तो वो भी ख़राब हो गया था, तो बेटे ने रिपेयर किया, लेकिन फिर उसकी जो लाइफ लाइन है ना वो पूरी हो गई थी तो उसे हमने निकाल दिया। उसके बाद ये दूसरा वाला लाए थे तो अभी बेटे ने ना ये भी चालू कर दिया। देखिए टॉर्च भी अच्छे से चल रही है और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ये कल ही उसने रिपेयर किया तो मैं आपको कल ही बताने वाली थी, लेकिन हमने ये वीडियो है ना फ्राइडे से शुरू किया है, आज सैटरडे है तो वीडियो को मैं कल एंड नहीं कर पाई थी, तो अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं तो मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया, अभी 7:15 बजे आपके साथ मैं फिर से बात करने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैं खाने में बना रही हूँ इंस्टेंट वाली इडली, जो सूजी से रवा से बनती है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है और उसमें दही डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से मिला के फिर मैं रेस्ट करने के लिए रख। कुकर में अरहर की जो दाल तूर दाल कहते हैं ना उसे ले लिया है, ये एक कटोरी दाल है और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा सांभर मसाला डालेंगे तो इससे है ना टेस्ट बहुत अच्छा। दाल को 3 मिसल होने तक हमें पकाना है, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है ना तो दाल को पहले भीगने दे उसके बाद ही इसे उबालने के लिए रखें, लेकिन मेरे पास कम वक्त है इसीलिए मैं इसे सीधा ही उबलने के लिए दही डाल के रख दिया है, तो अभी इसे भी मुझे अच्छे से मिला। मटर को हमें इतना ठीक करके भिगोना है, अभी 15 मिनट या आधा घंटे के बाद इसे देखना है, अगर आपको कड़क दिखता है बैटर लगता है कड़क जैसा तो आपको इसमें पानी डाल के इसको फिर थोड़ा सा ढीला कर देना है, तो अभी इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो अभी हम सांभर बना लेते हैं, तो जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर आलू को काट लिया है, हरी मिर्चें ली है, कड़ी पत्ता लिया है, कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल गरम होते ही उसमें राई और हींग डाल दी है, हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है, कड़ी पत्ता सूखी वाली मिर्चें और प्याज डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। आपके पास जो भी सब्जी है ना उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास सब्जी बस इतनी ही थी इसीलिए मैंने ये कम सब्जियों में ही सांभर बना रही हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सब्जी अपने हिसाब से डाल दीजिए। अभी प्याज अच्छे से पक चुके हैं तो इसके अंदर अभी मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसके अंदर जो आलू है ना उसे डाल देना है, इसके साथ आप और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हो। सब्जियां जैसे जैसे डालते जाए वैसे वैसे इसे अच्छे से भूनते भी जाना है, नहीं तो फिर है ना तले पे सारा चिपक जाएगा। अभी आलू डाल के अच्छे से मिला दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने अभी नमक डाला है, टेस्ट के हिसाब से नहीं डाला है, और थोड़ा पानी डाल के इसे मैं ढक ढक के पका लूँगी। जब ही ये आलू अच्छे से पक जाए उसके बाद ही इसके अंदर हमें दाल को डालना है, तो अभी मैं इसे पका लेती हूँ। तो देखिए अभी हमारे जो आलू है ना वो अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं, मैं एक तोड़ के देख लेती हूँ तो हाँ तैयार है। अभी इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे और उसके बाद जो मसाले कम ज़्यादा है ना उसे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो अभी हमारी टेस्टी वाला सांभर फिर तैयार हो जाएगा। और सबसे आखिर में इसके अंदर हमें इमली को डालना है, ये ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी पहले हमने नमक डाला था तो अभी थोड़ा नमक हम अभी डाल देते हैं और 1 चम्मच भर के सांभर मसाला डाल देते हैं और फिर इसे उबलने के लिए रख देंगे।
सांभर अभी अच्छे से उबलने लगा है तो इसे और मैं 1-2 मिनट उबाल दूंगी, उसके बाद हमारा टेस्टी वाला सांभर तैयार हो चुका है। अभी आधा घंटा हो चुका है तो इडली का जो बैटर है ना वो हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना होगा और उसके बाद खाने का सोडा मिला के इसकी इडली हम रख देंगे। इडली को अभी मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाती है और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। और बस इडली जैसे ही बन जाती है वैसे हम लोग इसे एंजॉय करेंगे, आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए।